हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत नेट वाली स्लीव्स में डिज़ाइन लेकर आए हैं। दोस्तों, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने यहां पर अपनी देखी कुछ इस प्रकार की पाइपिंग ली हुई है। ये रेडीमेड पाइपिंग है दोस्तों, मार्केट में आपको काफ़ी आसानी से मिल जाएगी, और कुछ इस तरह की लेस ली हुई है दोस्तों। साथ ही दोस्तों, हमने यहाँ पर अपने कुछ वीड्स भी लिए हैं, जिनकी मदद से आज हम आपको बहुत ही खूबसूरत स्लीव्स का डिज़ाइन बनाकर दिखाएंगे। दोस्तों, ये डिज़ाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पर नॉर्मली अपनी आस्तीन की कटिंग की हुई है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जब भी आप अपने लिए आस्तीन का ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे तो आपको अपनी आस्तीन की जो लंबाई है वो फुल रखनी होगी, मतलब के यहाँ तक, क्योंकि इस डिज़ाइन का लुक ही यहाँ तक वाली आस्तीन में ही बेहतरीन आता है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, जब आप अपनी आस्तीन कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद में दोस्तों आप लास्ट में मोरी की तरफ मार्जिन छोड़ते हैं, जैसे कि 1 इंच या 1.5 इंच फोल्ड करने के लिए। इसमें आपको नहीं छोड़ना है, इसमें केवल आपको 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ना है, क्योंकि इसमें आपको सबसे पहले शुरू में यहाँ पर पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग लगाने के बाद हम आपको बताते हैं इसमें क्या होगा। तो दोस्तों, आस्तीन में पाइपिंग लगाने के लिए आपको अपनी आस्तीन को कुछ इस प्रकार से देखिए खोलना होगा, और खोलने के बाद में आपको अपनी आस्तीन का सीधा भाग ऊपर की तरफ रखना है। और रखने के बाद दोस्तों, आप अपनी पाइपिंग को इसमें कैसे सेट करेंगे, पाइपिंग का जो ये गोल वाला हिस्सा है इसे रखेंगे आप अपनी आस्तीन के अंदर की साइड और मार्जिन बाहर की साइड। इस तरीके से रखते हुए आप अपनी पाइपिंग के बराबर बराबर सिलाई को कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे डिज़ाइन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट ज़रूर करें, जिसका नाम है www.roofffashionpoint.com। अब इसके बाद दोस्तों, हम इसको इस तरीके से अंदर कर देंगे और सिर्फ पाइपिंग ही पाइपिंग आपको नज़र आएगी। यहाँ पर दोस्तों, आप चाहें तो सिलाई लगा लें, और या अगर आप चाहें तो हाथ से हेमिंग भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपनी सिलाई लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पर अपनी इस तरीके से पाइपिंग लगा ली है। और इसके बाद दोस्तों, हम अपनी आस्तीन को इस तरीके से दोबारा से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से मोरी के निशान से आपको एक निशान लगाना है अंदर की तरफ 3 इंच पर, और इस निशान को बिल्कुल सीधा लगा देना है। ये हमने बिल्कुल निशान सीधा लगा दिया है, और इसके बाद सेम निशान पे हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये दोस्तों हमने कटिंग कर दी है। इसके बाद दोस्तों, हम यहाँ पर और यहाँ पर सेम तरीके से पाइपिंग लगा लेंगे जैसे कि हमने यहाँ लगाई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने दोनों ही पार्ट पर बहुत ही फिनिशिंग के साथ पाइपिंग लगा ली है, और इसके जो बीच का गैप है दोस्तों, हम रखेंगे सिर्फ 1/2 इंच से थोड़ा सा कम, इस तरीके से। तो ये हमने यहाँ पर अपना गैपिंग सेट कर दी है, और बीच सेंटर भी अपनी आस्तीन का सेट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों, इसमें जो हम करने वाले हैं, इसकी वजह से हमारा आस्तीन का डिज़ाइन जो है बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। हम यहाँ पर हाथ वाली सुई की मदद से इन मोतियों को अटैच करने वाले हैं। गैपिंग इनकी जो रखेंगे बीच में, वो रखेंगे 1/4 इंच से थोड़ी सी कम। तो इनको यहाँ पर हम इस तरीके से सुई से अटैच कर लेते हैं। अब तो देखिए दोस्तों, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पर हाथ वाली सुई से अपने मोतियों को अटैच कर लिया है, और यहाँ पर हमने 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ दिया है, ताकि हमें बंद करने में आस्तीन में आसानी हो। और अब इसके बाद दोस्तों, आपको इसमें क्या करना है, देखिए जो ये आपकी पाइपिंग है, इस पाइपिंग से 3 इंच का मार्क फिर से इस तरीके से आपको लगाना होगा, एक यहाँ पर और एक फिर से इस निशान से 3 इंच से यहाँ पर। अब हम दोनों निशानों को इस प्रकार से सीधा कर देंगे, और सीधा करने के बाद में दोस्तों, हम दोनों ही निशानों पर अपनी कटिंग कर देंगे। और कटिंग करने के बाद, जैसे हमने यहाँ पर दोनों साइड पर पाइपिंग लगाई है और बीच में मोती फंसाए हैं, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर और यहाँ पर ये सेम प्रोसेस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर अपने तीनों पार्ट जो है कुछ इस तरीके से बना लिए हैं। और इसके बाद दोस्तों, इस आस्तीन को और भी ज्यादा खूबसूरत करने के लिए दोस्तों, हम यहाँ पर अपनी इस लेस को इस तरीके से यूज करेंगे, और इसको करने के बाद में दोस्तों, हम अपनी फिटिंग के अनुसार आस्तीन को बंद कर लेंगे। तो दोस्तों, लेस लगाने के बाद में हमारा यहीं पर आस्तीन का जो डिज़ाइन है वो हो जाता है कंप्लीट। आपको हमारा आज का ये आस्तीन का डिज़ाइन कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और घंटी के आइकन को क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, अगर किसी कारण नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो आप हमें हमारी वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है www.roofffashionpoint.com।